भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में ने उकसा सके। शांत रहो दुर्योधन। हस्तिनापुर के महामंत्री है ये, और एक महामंत्री के समक्ष तुम इस भांति बात नहीं कर सकते। मूर्ख मत करो। नहीं मामा श्री, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने आज तक केवल पांडवों का साथ दिया, और मेरा विरोध किया। दुर्योधन, अपनी वाणी पर संयम रखो, ये मत भूलो कि महात्मा विदुर ना केवल तुम्हारे महामंत्री हैं, परंतु तुम्हारे काकाश्री भी हैं। काकाश्री होते तो मेरा समर्थन करते, उन पांडवों का नहीं। ये केवल एक कृतज्ञ षड्यंत्रकारी है और कुछ नहीं। इन्होंने कभी हमारे हित की बात नहीं करी, ना ये तब चाहते थे कि मेरे पिता राजा बने, और ना ये अब चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूं। बहुत बुरी बात है काकाश्री, हमारा अन्न खाके उन पांडवों का पक्ष लेते हैं आप। भाग्य है कि ये मेरे पिता के आधे भाई हैं, अन्यथा राजद्रोही घोषित करके इस दासी पुत्र को दंड देता मैं। दुर्योधन, क्या कर रहे हैं आर्य? आप तो शांत रहिए। बालक नहीं है ये, जो इसके हर अपराध को बालक समझकर क्षमा कर दूं। इसे स्मरण होना चाहिए कि मैंने शस्त्र शिक्षा ताक्षरी भीष्म से ली है। इसने मेरी निष्ठा पर प्रश्न किया। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसने किया है, इसे हस्तिनापुर से निष्कासित कर देना चाहिए। निष्कासित तो मुझे आपको कर देना चाहिए। अपनी सीमा का उल्लंघन मत कर दुर्योधन। अपने शब्दों की रास को थाम कर रखो दुर्योधन, ये मत भूलो कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री और हस्तिनापुर के रणनीतिकार भी। इस समय तुम्हें उनके समर्थन, उनकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। बस ऐसे सैकड़ों महामंत्री मेरे चरण धोते हैं। मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए एक दासी पुत्र के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन, टूटिया, इस धनुष के साथ
तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन भी टूट गया है। अब ना तो तुम मेरे शस्त्र उपयोग कर पाओगे और ना ही मेरी नीति। मैं स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति को इस युद्ध से अलग करता हूं। दुर्योधन, हंसना बंद करो, बंद करो ये हंसना। धर्मात्मा देखिए, क्षमा कर दीजिए इसे, बच्चा है, बालक बालक है ये। छोड़िए मामा श्री, ऐसे इसी दोगले इंसान का हमारे साथ ना होना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। गंगाराज, इससे पहले कि मेरे क्रोध से मेरे विवेक का बांध टूट जाए, ले जाओ इसे यहां से। और ना जाओ तो क्या कर लेंगे? ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब चलो यहां से, चलो चलो। धनुष ना टूटता तो मेरा बाण छूट जाता, मेरे भ्राता धृतराष्ट्र को पुत्र हानि होती। मैं आज भी यही कामना करता हूं कि यदि ये युद्ध हो तो मेरे भ्राता धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे ज्येष्ठ भ्राता पांडु के पुत्र सुरक्षित रहे। अच्छा अच्छा खेल खेला आपने वासुदेव। मेरी बुद्धि तो ये सोच सोच कर कुंड हो रही थी कि आपने दुर्योधन का आतिथ्य ठुकरा कर यहां यहां भोजन करना क्यों स्वीकार किया? क्या योजना थी आपकी इसके पीछे? मिल गया मुझे उसका उत्तर। गांधार राज, मैं यहां आया ये मेरा चुनाव था। दुर्योधन ने जो व्यवहार यहां किया वो उसका चुनाव था, और अब महात्मा विदुर इस युद्ध से अलग हुए हैं तो ये इनका चुनाव है। अपना चुनाव करने का अधिकार हर मनुष्य को है गांधार राज, और उस चयन का प्रतिफल चुका उसकी विवशता। प्रणिपात। यहां सोचा कि अपनी बुआ को बता दूं कि भूखे पेट शयन करने से बुरे स्वप्न आते हैं। मेरी निद्रा और भूख तो तभी उड़ गई थी जब युद्ध की घोषणा हुई थी। कृष्ण, जिस माता के पुत्रों का जीवन दांव पे लगा उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी? उसके गले के नीचे से नवला कैसे उतरेगा? बुआ बैठो। मैं तो यहां इसलिए आया था कि अपनी बुआ के साथ भोजन का आनंद उठा सकूं, परंतु मेरी बुआ इतनी व्याकुल, इतनी निराश है
यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम हूं, तो क्या आप फिर भी भोजन नहीं करेंगे? तुम्हारी बात कोई चाके भी कैसे डाल सकता है? तो फिर पहले आप भोजन कीजिए। यदि मेरे पुत्र यहां थे तो वो भी मुझे ऐसे ही भोजन करवाते। धन्यवाद कृष्ण, जो तुम यहां पर आकर मेरे पुत्रों के स्थान पर खड़े हुए और प्रकृत विकट परिस्थिति में मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं बुआ कि परिस्थिति बहुत विकट है, परंतु जो इस बात को समझ सकता है उसे इस परिस्थिति को टालने की, इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मैं समझी नहीं, मैं क्या कर सकती हूं? आपको स्मरण है बुआ, जब मैं यहां विभाजन के समय आया था तो मैंने आपको एक कार्य करने से रोका था। अभी उचित समय नहीं है बुआ, सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे? बुआ, कुछ करने को कहने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस इस परिस्थिति की गंभीरता को देख रहा हूं। शांति दूत बनकर आया हूं, प्रयास करूंगा कि इस युद्ध को रोक सकूं, परंतु प्रतीत ये होता है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मुझे भी उसी दिन का भय कृष्ण, जब मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष हस्त्र दान कर एक दूसरे का रथ बांधने के लिए प्रस्तुत होंगे, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? संदेह तो है बुआ, परंतु यदि आपके छह पुत्र एक ही पक्ष में हो तो कदाचित युद्ध का प्रश्न ही ना उठे। मैं वो करने जा रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है, आप वो करें जो आपको उचित लगता है। आज्ञा दे प्रणिपात। माधव, मित्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हें फिर से देखकर। कहां थे तुम? मेरे स्वागत के लिए नहीं आए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहां आपको स्वागत देने के लिए बुलाया गया है। मैं तुम्हारा तात्पर्य समझा नहीं। मैं
आप सब जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। आप गांधार नरेश को मुझसे अधिक समझते हैं। यह स्वागत प्रारंभ है, इसके बाद अपमान होगा और हो सकता है कि कोई चाल भी रचा हो। यदि जाल होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा धनुर्धारी मित्र उस जाल को अपने बाणों से काट देगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं उसका त्राण करूंगा मित्र। हाँ, अब हम सबसे भिन्न हैं, अधिक सक्षम हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु आप भी तो मानव का ही रूप है ना, और मानव सब कुछ नहीं जानता, अन्यथा आज आप दुर्योधन की सभा में नहीं आते। तुमने सत्य कहा मित्र, मानव सब कुछ कहां जानता है, जैसे कि तुम। यदि तुम भी सब कुछ जानते होते हो तो दुर्योधन की ओर नहीं होते मित्र। वासुदेव, बात को समझने का प्रयास कीजिए, मैं भावी संकट की बात कर रहा हूं। आगे मत बढ़िए, रुक जाइए वासुदेव। मित्र, तुम चिंता ना करो। यदि मैं हर स्थान पर रुक जाता जहां संकट संभव था तो मेरे जन्म लेने के पश्चात मैं बंदी गृह में नहीं रुक जाता मित्र। मामा कंस के बुलाने पर मथुरा नहीं जाता। मामाओं से निपटने का मेरा बड़ा अनुभव रहा है मित्र। मैं जानता हूं कि भीतर क्या होने वाला। फिर भी आप जा रहे हैं? हां मित्र, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि यह मेरी इच्छा, मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां राज्यसभा में जो होगा उसके लिए वहां मेरा होना आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है मित्र कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। इस सभा के पश्चात मुझसे मिलना, कदाचित मैं भी तुमसे यही प्रश्न कर बैठूं। मैं यहां केवल हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करने नहीं आया, मैं यहां तुमसे भी मिलने आया हूं मित्र। तुम सदा मुझसे यही प्रश्न करते आए हो कि मैं इस पक्ष में क्यों, मेरा मत क्या है, क्या मैं ही करता धरता हूं या केवल दृष्ट, क्या मैं ही कार्य साधता हूं या कार्य का साक्षी मात्र। मेरे साथ आओ मित्र, तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। मैं इस सृष्टि का साक्षी, आज तुम मेरे साक्षी बनो मित्र। भारत।